राजस्थान कांग्रेस के लिए सियासी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सचिन पायलट की नाराजगी ने जहां दिल्ली की सियासी फिजाओं को गर्मा दिया है, वहीं गहलोत सरकार पर अब पायलट ग्रुप के एक विधायक ने फोन टैपिंग का आरोप लगा दिया है। हालात अब ये हो चुके हैं कि कांग्रेस इस पूरे मामले में डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी राजस्थान सरकार में उठे गुटबाजी के अंगारों को हवा देने में जुट गई। कहा है जरूर विधायकों ने कि हमारे फोन टेप हो रहे हैं, कई विधायकों ने कहा भी है। कहीं कोई सचिन पायलट की कोई शिकायत नहीं है। राजस्थान में जारी है सियासी तकरार, भीतर घात के डर से बेचैन है कांग्रेस। यह है पायलट पर उठे तूफान की कहानी। राजस्थान की सियासत में विवादों का ऐसा बवंडर उठा है कि राजधानी दिल्ली तक उस बवंडर की हवाओं को महसूस किया जा रहा है। करीब 10 महीने से थमी हुई विवादों की ये लहर मानसून की दस्तक के साथ एक बार फिर से सतह पर नजर आने लगी है। दावा किया जा रहा है कि सरकार की अनदेखियों से नाराज सचिन पायलट को लेकर दिल्ली में जहां मंथन और मनन चल रहा है, वहीं सीएम अशोक गहलोत का खेमा अभी सचिन पायलट के खेमे पर लगातार नजर बनाए हुए है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच सचिन पायलट के खेमे के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का बड़ा बयान सामने आया है। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का दावा है कि राजस्थान में विधायकों की फोन टैपिंग हो रही है, राजस्थान सरकार फोन टैपिंग करा रही है। सोलंकी का दावा है कि ऐसे कई विधायक हैं जिन पर निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी शिकायत कुछ विधायकों ने सीएम से भी की है। इतना ही नहीं, विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने ये कहा है कि राजस्थान में ऐसे हालात स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हमारे फोन टेप हो रहे हैं, कई विधायकों ने कहा भी है। अब उनके पास में कौन सा ऐप है जिसे पता लग रहा है कि हमारे फोन टेप हो रहे हैं? उन्होंने मेरा फोन भी चेक किया, बोल नहीं आपका तो नहीं हो रहा, तो कौन सा फोन का ऐप है जिसे पता लगता है कि भाई उनका फोन टेप हो रहा है? कई लोगों ने कहा भी है इस बात की जानकारी, फोन टेपिंग तो नहीं लेकिन अधिकारियों की बात जरूर मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है कि हमारे अधिकारी ऐसे कह रहे हैं कि ऊपर से अधिकारियों द्वारा ऐसा मैसेज है। इलीगल टेपिंग गलत है, मानता हूं, लोकतंत्र के लिए भी ये ठीक नहीं है। राजस्थान कांग्रेस में ठनी ये तकरार न सिर्फ पार्टी के अंतःकलह को सामने ला रही है, बल्कि विपक्ष भी इस मामले में राजस्थान सरकार की घेराबंदी में जुट गया है। आज फिर से कांग्रेस के एक विधायक कह रहे हैं कि कई विधायक कहते हैं उनके फोन टेप हो रहे हैं, जासूसी हो रही है। कांग्रेस बताए कि ये विधायक कौन है। सोजा बेटा गब्बर आएगा की तर्ज पर कांग्रेस अपने ही विधायकों को डरा रही है। कांग्रेस बताए गब्बर कब आएगा। बीजेपी के नेता अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस में चल रही गुटबंदी पर सवाल उठाए हैं। वहीं फोन टैपिंग के मुद्दे पर भी अरुण चतुर्वेदी ने राजस्थान सरकार पर जोरदार हमला किया। कोरोना का नाम लेकर के राजस्थान की सीमा को सील करने का काम किया, बार बार अपने बाड़ेबंदी करके लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया। अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए कहा कि ये लाचारा है, बेकार है, अनाड़ी है, सब तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। और अब एक बार फिर जो अनडेमोक्रेटिक तरीके से सोचता है, मैं कहता हूँ बिलो द बेल्ट वार करने की बात होती है, अब तक तो हम कहते थे, अब उन्होंने इस बात को सिद्ध किया। कांग्रेस के उनकी खुद की पार्टी के विधायक करें कि हमारे टेलीफोन्स को टेप किया जा रहा है और हमारे ऊपर सरकार के द्वारा नजर की जा रही है, ये पूरी तरह से लोकतंत्र। मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, अपने स्वयं के अंतर्वोदों को जल्दी करेगी। राजस्थान में उठे सियासी तूफान पर डैमेज कंट्रोल के लिए दिल्ली पहुंचे राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने मरहम लगाने की कोशिश की। गोविंद डोटासरा के मुताबिक कांग्रेस के भीतर ऑल इज वेल है, सचिन पायलट से किसी को भी शिकायत नहीं है, पार्टी संगठन में सब आराम से इजी हैं, कहीं कोई सचिन पायलट की कोई शिकायत नहीं है। ये तो संगठन की बात, सरकार के संगठन में उनके लोग हैं। और संगठन में हम सब लोग मिलकर के आला कमान तय करता है, जिसको जो जिम्मेदारी देता है वो जिम्मेदारी लेता है, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई नाराज नहीं है, सब मिलकर के अच्छा शासन देंगे। बीते कई दिनों से कांग्रेस के अंदर गुटबाजी की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। कैप्टन बनाम सिद्धू के बीच सियासी तकरार का मसला किसी से छिपा नहीं है,
युवा नेता जितिन प्रसाद 3-10 को पुराना रिश्ता कांग्रेस से तोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर 10 महीने पुराने वाली स्थिति बनती दिख रही है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में आ गई है। राजस्थान में अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट को कांग्रेस में दूसरे नंबर का नेता माना जाता है। युवा नेता होने के नाते सचिन पायलट को मानने वालों में कोई कमी नहीं है, लिहाजा ये समझना जरूरी है कि आखिर राजस्थान की सियासत में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच ये तनातनी अब तक क्यों बनी हुई है। सूत्रों के हवालों से खबर है कि सचिन पायलट अपने 10 महीने पुराने मुद्दे पर तत्काल एक्शन की मांग कर रहे हैं। सचिन पायलट चाहते हैं कि उनके समर्थक विधायकों को मंत्री बनाए। सचिन पायलट चाहते हैं कि सरकार में काम करने की प्राथमिकता दी जाए। इतना ही नहीं, पायलट गुट की शिकायत है कि गहलोत राज में उनके साथ सौतेला बर्ताव किया जा रहा है। पिछले साल सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद 11 अगस्त को कांग्रेस पार्टी ने केसी वेणुगोपाल, अहमद पटेल और अजय माकन की एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी का काम सचिन पायलट और उनके समर्थकों की मांगों को सुनकर पार्टी आलाकमान को रिपोर्ट सौंपना था, लेकिन 10 महीने बाद कमेटी की रिपोर्ट का अता पता नहीं। इस बीच अहमद पटेल का निधन हो चुका है और तब सचिन पायलट ने कहा था कि रिपोर्ट पर जल्द कार्रवाई होगी और रिपोर्ट भी जल्द सौंपी जाएगी, लेकिन 10 महीने बाद सचिन पायलट खेमे का सब्र जवाब दे रहा है। यही वजह है कि अब दिल्ली में सचिन पायलट के साथ सुलह की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन सवाल यही है कि क्या कांग्रेस में गुटबंदी का ये टकराव जल्द खत्म होगा या फिर इस टकराव का असर भी कांग्रेस के लिए कोई नई सियासी चुनौती लेकर आएगा। केंद्र सरकार ने मेडिकल